में आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सिंपल वाले बताए थे, आज मैं आपके लिए लेट वाले वाक्यों में किस तरह से चेंज करते हैं वो बताऊंगी। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वाक्यों में, लेट वाले वाक्यों में लेट अस आ जाता है और किसी किसी में लेट के बाद कोई अन्य ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो दोनों का ही अर्थ वैसे देखा जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब हमें दोनों का अर्थ अलग पता चलेगा तो हमें बनाने में भी बहुत आसानी रहेगी। देखिए, लेट अस जहाँ आता है वहाँ प्रपोजल होता है और सजेशन होता है, क्लियर है। और लेट के बाद अगर कोई अन्य ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वहाँ पर या तो रिक्वेस्ट होगी या फिर ऑर्डर होगा या फिर एडवाइस होगी, ठीक। तो इससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमें लेट के बाद जो हमें वर्ब लगानी है तो किस तरह से लेट वाले वाक्यों में सेड को हमें किस में चेंज करना है, इससे हमें क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि लेटस जो वाक्य होते हैं, लेटस वाले, और लेट के बाद अन्य वाले वाक्य होते हैं ऑब्जेक्ट वाले, दोनों के ही रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों को क्लियर किया है और दोनों के ही रूल्स में अलग अलग बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ आपके लिए लेटस वाले वाक्य, लेटस वाले वाक्य हम किस तरह से बनाते हैं उसके थोड़े रूल्स अलग हैं, तो मैं बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट रूल्स तो वैसे ही होते हैं जैसे इम्परेटिव में, थोड़े से चेंज रहते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। अब प्रपोज्ड या सजेस्टेड क्लियर पहले ही कर दिया था कि यहाँ पर वर्ब प्रपोजल होगा या सजेशन होगा, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में करेंगे। दूसरा है कंजेक्शन। कंजेक्शन मींस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लेटस वाले वाक्यों में हम क्या लगाएंगे, दैट। अब तीसरा जो रूल्स होता है लेट के बाद किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, आए ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देते हैं। फोर्थ है हेल्पिंग वर्ब। शुड का प्रयोग करते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मोहन सेड टू अस, कॉमा इंटूट कॉमा, लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ पर लेट अस आया हुआ है, हमें क्लियर हुआ कि ये हमारा प्रपोजल और सजेशन वाला ही वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को हमने किस में बदल दिया, प्रपोज्ड में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने पहले जितने भी वाक्य बताए थे वो सेड को जो हमने चेंज किया वहाँ पर हमने टू को हटा दिया था, लेकिन सजेशन और प्रपोजल में मीन्स जहाँ प्रपोज जो सजेस्टेड करेंगे वहाँ हम टू को नहीं हटाएंगे, वहाँ हम टू ऐसे ही रहेगा, और कंजेक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब ये जो थर्ड है लेट के बाद आए ऑब्जेक्टिव केस। अब ये लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यह लेट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जब लेट का प्रयोग, जब लेट आता है उसके बाद
और जब हम लेट को हटा देंगे, हाँ इसमें एक बात और है कि ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में जब हम चेंज करते हैं तथा लेट को हटा देते हैं, ठीक। अब जब लेट को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मींस नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाएगा। अब नॉमिनेटिव केस किसका है, फर्स्ट पर्सन का है, पर्सनल प्रोनाउन के वही रूल्स रहेंगे जो अन्य सेंटेंस में रहते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बोल देंगे। अब ये क्या है, केस हमारा है, ये जो हमारा है नॉमिनेटिव केस है, और लेकिन ये जो है हमारा प्लूरल का है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का है, तो यहाँ पर हम इसका ही रखेंगे, इसका हम प्लूरल का ही रखेंगे। ये हमारा थर्ड पर्सन ही है, ठीक। तो ही को हम किस में बदल देंगे, दे, और ज़्यादातर दे और वी में ही चेंज किया जाता है। यदि हाँ आई होता तो यह हम क्या कर देते, वी का यूज़ करते, क्योंकि वी का जो होता है फर्स्ट पर्सन का जो होता है वो वी रहता है, तो यहाँ पर दे। अब चौथा रूल्स हमारा है हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरह का वाक्य होगा, इसमें हम जब हम इसको नॉमिनेटिव केस में चेंज करने के बाद फिर हमें वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो हम हमेशा शुड का ही लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शुड, शुड गो फॉर अ वॉक, तो इस तरह से लेटर्स वाले वाक्य हमेशा इसी तरह से बनते हैं। तो बच्चों आपको ये लेटर्स वाले वाक्य क्लियर हुए होंगे। अब मैं अन्य प्रकार के जो लेट के बाद जो अन्य ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट के बाद सेकंड रूल्स है, लेट के बाद ये कोई अन्य ऑब्जेक्ट आता है उसमें लेटर्स मैंने पहले बताया था, लेट के बाद कोई अन्य ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है और ऑर्डर होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है रिक्वेस्ट और ऑर्डर में, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रिक्वेस्ट और एडवाइस तो सेम एक से ही बनते हैं, ऑर्डर थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें। तो इसका रूल्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसे सेट को हम किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, ठीक। जिसमें परमिशन होती है उस वाले वाक्य के बारे में मैं बता रही हूँ। और कंजेक्शन जो है उसमें क्या लगाते हैं कि लेट को या तो टू लेट में बदल देते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर लेट से पहले टू लगा देते हैं और आगे वाक्य हम सेम ऐसे ही उतार देते हैं। या फिर हम इसके लिए हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि लेट को हटा देते हैं, जैसे हम लेटर्स में बनाते हैं, लेट को हटा देते हैं, उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे और उसमें जो आए हुआ नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसको सब्जेक्ट केस हो जाता है, जो मैंने बताया था क्यों होता है कि लेट को हटाने के बाद वो अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसके साथ साथ हमें माइट बी अलाउड का भी यूज़ करना होगा इसमें, ठीक। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। बाकी देखिए जब भी बनेगा जब हम इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें परमिशन है, ऑर्डर है या एडवाइस है। अब देखिए ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो, इसका मतलब क्या है, इसमें परमिशन मांगी गई है। तो क्लियर है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिस। अब देखिए हमने सजेस्टेड में या उसमें हमने टू नहीं हटाया था लेकिन इसमें हटा दिया, मैंने पहले ही बोला सजेस्टेड और प्रपोज्ड में टू नहीं हटेगा, अन्य सभी में हट जाएगा। अब देखिए ये है, अब दो तरह से बनेंगे, या तो हम ऐसे ही बना सकते हैं टू लेट हिम गो होम, हिम को हम मी को हमने इसके अनुसार बदला है ही के अनुसार, और हम सेकंड टाइप से भी हम बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट। अब ये जो है लेट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, आई को हम इसके अनुसार बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही
और हमें अपनी तरफ से क्या लगाना है, माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पर परमिशन है इसलिए अलाउड है, माइट बी अलाउड टू गो होम। तो इस तरह से ये जो है रिक्वेस्टेड वाले वाक्य होते हैं, एडवाइस वाले वाक्य होते हैं, तो किस तरह से यूज होते हैं वो है। अब थर्ड टाइप में है कमांड वाला, है लेट वाले वाक्यों में जहाँ पर ऑर्डर मीन्स जहाँ पर आदेश का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलते हैं, क्योंकि हम उसका सेंस देखेंगे, ऑर्डर है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन, इसमें क्या लगेगा, दैट। कंजक्शन दैट लगाने के बाद जो है थर्ड है हेल्पिंग वर्ब, शुड का यूज, करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन बी सेट फ्री। देखिए पढ़ने से ही क्लियर पता चल जाता है कि है क्या इसमें, कि किंग सेट, किंग ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को फ्री करिए मीन्स आदमी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ऑर्डर है, क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द किंग ऑर्डर दैट। अब देखिए जब दैट लगाते हैं तो मैंने पीछे आपके लिए जो बात तो बताए थे उसमें सभी में है, जब दैट लगता है इसका मतलब यहाँ पर हमें लेट को हटाना है। तो दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, ठीक। तो मैंने तीनों ही तरह से अलग अलग आपके लिए लेट वाले वाक्य किस तरह से यूज होते हैं, लेटस को हम किस तरह से बदलते हैं, या फिर लेट के बाद अन्य कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑर्डर में आता है, एडवाइस में आता है, या रिक्वेस्टेड में आता है, हमें किस तरह से बदलना है, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप अपनी बुक से एक्सरसाइज बनाना और करना, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ओके।